हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अंकुश कुमार शर्मा। आपके फिर से आपके चैनल आश्रम द कंसेप्ट में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। हमारे जो बचा हुआ टॉपिक था आहार नाम पढ़ रहे थे ना, हाँ पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र को आज हम लोग फाइनलाइज करेंगे, मानव के पाचन तंत्र। बिना समय गवाए चलो ठीक है, अपने सारे वीडियोस को हम बढ़ाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो थे बच्चे हम लोग पढ़े थे दांत के बारे में पढ़े थे, जीभ के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज जो है बाकी के टॉपिक जैसे कि आहार नाल, उसके बाद कुछ ग्रंथियां हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पिक्चर बना लेते हैं मानव के आहार नाल। तो मेरे साथ आप भी बनाते रहिएगा, लेकिन ध्यान देखिए मैं बनाता हूँ। समस्या होता है इसका आपको। ये हो गया आपका मुख गुहा, फूड कैनल जिसको बोलते हैं। ये फूड कैनल जाकर सीधे अमाशय में खुलती है, जिसको आप अस्टोमैक बोलते हो, चेस्ट से होते हुए जाती है। तो यहाँ पहले मैं बना लूँ आपके लिए एक अमाशय, ये हो गया आपका अमाशय, ठीक है। पिक्चर में थोड़ा सा क्लियरिटी रखना, ठीक है। ये हो गया अमाशय, अमाशय के बाद आपका ये अमाशय सीधे जाकर खुलती है, ये पकवाशय हो गया, और पकवासी जाए खुलता है आपका छोटी आंत में, स्मॉल इंस्टेंट टाइम में, ठीक है। स्मॉल इंस्टेंट टाइम यही जो क्वाइरल है यही क्या करता है आपके समस्त आहार नाल की लंबाई को बढ़ा देता है, ठीक है। इस तरीके से कर यह फैला हुआ है आपका, ये समझो आहार नाल है। इसके बाद यह आहार नाल एक दो बाई सब करके निकलते रहेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा तो बड़ा ये करना नहीं है, बड़ा करने से ये बनता नहीं, चलो ठीक है। ये हो गया आपका ये बनाया मैंने बढ़िया बढ़िया थे, थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ये हो गया आपका एनस, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर आपका होता है लीवर, मैं जानबूझकर पिक्चर को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा जूम कर करके दिखा रहा हूँ आपको, साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। साफ साफ वीडियो को देखो आप ध्यान से। यहां होता है आपका पकवाश, ये पकवाश जाकर खुलता है डिडोरियम, ये आपका हो गया पकवाश, ये इसका नाम है पैंक्रियाज। और यहां पर जो है आपके बाइल जूस है। देखो एक्चुअली जब तुम ओरिजिनली में देखोगे इसको तो ऐसा नहीं होता है जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ रहते हैं सटे हुए रहते हैं, ये थोड़ा सा और नीचे होता है, ये इसके पीछे होता है, लेकिन मैं जानबूझ के इसको अलग अलग आपको दिखा रहा हूँ ताकि क्लियरिटी से आपको समझ में आए क्या चल रहा है, ठीक है। तो कुल करके आप क्या देख पाए, एक मानव शरीर का आहार नाल की पिक्चर तैयार है हमारा। तो देखो मैं सबका पहले नामकरण कर दूं, कुछ बच्चे का शिकायत है सर बड़ छोटा लिखते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा बड़ा बड़ा लिखने का। यहाँ देखो यहाँ एक ग्रंथि होती है, इसको भी जान लो, चलो ठीक है। ये है आपका मुख गुहा, ठीक है।
ये है आपका लार ग्रंथि, ये ग्रंथि है। देखो मैंने पिछला वीडियो जाकर आप जरूर देखिए, तब पता चलेगा क्या क्या पाचन तंत्र में होते हैं। तो ये है लार ग्रंथि, मैंने तीन ग्रंथियों का जिक्र किया था अपने पाचन तंत्र में। सबसे पहला था लार ग्रंथि, दूसरा था आपका लीवर यकृत, और तीसरा था आपका पैनक्रियाज। तो ये देखो लार ग्रंथि है, ये है आपका ग्रास नली, जिसका जिक्र पिछला वीडियो में किया गया था। ग्रास नली को इंग्लिश में बोलते हैं एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस या फूड पाइप। उसके नीचे आओ तो ये सीधे खुलती है आपके अमाशय में, अमाशय जिसको इंग्लिश में बोलते हो स्टोमैक। ये हो गया आपका लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। थोड़ा सा आपको आवाज जो ये आते रहेगा तो देखना उसको। यह है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है, यह है पैनक्रियाज, ठीक है। ये देखो ये यहां वाला जो यू शेप दिख रहा है आपको, एक्चुअली में ये जो यू शेप है इसका नाम होता है पकवाशय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्यूडोनियम, पकवाशय, ठीक है बच्चे याद देखो। और ये पकवाशय सीधे जाकर स्मॉल इंस्टेंट टाइम में खुलता है, तो ये है आपकी छोटी आंत। और उसके बाद ये वाली जो आपको दिख रही है ये है बड़ी आंत, ये बड़ी आंत, और ये है आपका एनस, एनस। तो कुल करके आपके इतने सारे हैं पाचन तंत्र में सहयोगी जो जो आपको पाचन तंत्र में मदद करते हैं। तो देखो देखो बच्चे, पिछला वीडियो हमने देखा था जहां पर आपको बताया गया था कि जो मुख गुहा है, ये जो मुख गुहा आपको दिख रही है, एक रफली डायग्राम तैयार किया गया, ठीक है। ये जो मुख गुहा है इसमें आपका सारा क्वेश्चन आएगा, आहार प्रक्रिया की सबसे पहला जो काम होता है वह कहाँ से शुरू होता है, तो आपको देना है आंसर मुख गुहा। देखो आप जानते हो कि जब मुख गुहा में भोजन करते हो, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब रोटी को या फिर आप चावल को, उबले हुए चावल को ज्यादा देर तक चबाते हो तो क्या होता है कि आपके भोजन जो है मीठा हो जाता है। क्यों मीठा होता है उसको समझना है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक ग्रंथि हमारे, ये मुख है अर्थात ये कानों के ठीक ऊपर यहाँ पर, और ये गला के ऊपर यहाँ पर एक क्या है ग्रंथि होता है, इसका नाम है लार ग्रंथि। ये उससे पहले एक चीज समझो, मानव शरीर जैसे है उसमें ग्रंथियां होती है, पाचन तंत्र में ग्रंथि होती है, ठीक है। इस ग्रंथि से आपका रस निकलता है, इंग्लिश में इसको ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये ग्लैंड से रस निकलता है, इसे हम जूस कहते हैं, जूस। ये जो रस होता है ये रस में एंजाइम होते हैं, और एंजाइम का काम सबको पता है भोजन का पाचन करना। तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। हुआ ऐसा थोड़ा सा वीडियो लेट पहुंच रहा आपके पास, तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, कोई बात नहीं, ठंडे ठंडे का मौसम आ गया। तो ग्रंथियों से रस निकलता है, रस में एंजाइम होते हैं, एंजाइम भोजन का पाचन करवाती है, ठीक है। तो देखो यहां सबसे पहली ग्रंथि मिलती है लार ग्रंथि, समझना है। चीजों को एक बार समझो उसके बाद इस तरीके से समझ लो कि आजीवन वह तुम्हारा हो जाए, आजीवन वह तुम्हारा हो जाए। तो लार ग्रंथि के बारे में देखते हैं क्या, जो लार ग्रंथि है यहाँ ये ग्रंथि है चुकी, तो इससे क्या निकलेगा, जी बिल्कुल हाँ रस, क्या निकलेगा रस। तो यहां से निकलता है लार, हमारे मुंह से निकलता है लार, जब इमली देखते हो तो टपकने लगता है लार, और भी देख के चीजें लार टपकने लगती है, चलो ठीक है। तो लार, लार जो है रस, रस निकलता है, ये लार जो है एक रस है, क्या है, लार ग्रंथियों से लार निकलती है, और इस लार में क्या होता है, लार में एंजाइम होते हैं, इस लार ग्रंथि में एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। यहां कौन सा एंजाइम मिलेगा आपको, टाइलिन, इस बार मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं थोड़ा सा आप लोग के कहने पे, चलो ठीक है अच्छी बात है। इस तरीके से आप लोग को इनकरेज करना होगा, बताना होगा कि क्या सर आपको दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है, फर्स्ट टाइम चल रहा है ना ये सब सब चीजें। तो छोटे छोटा मैं लिख रहा था, बड़ा बड़ा लिख रहा, लार ग्रंथियों से आपका निकलता है लार, लार में पाया जाता है टाइलिन, और ये भोजन का पाचन करता है। किस तरीके के भोजन का पाचन करता है टाइलिन, तो आपको पता होना चाहिए, ये माइंड को माल्टोज में बदलता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही से आपका बनता है कि माइंड को माल्टोज में कौन बदलता है, तो आपको आंसर देना है टाइलिन। लार जो है, लार कहां से निकलता है, लार ग्रंथियों से, लार में कौन से एंजाइम मिलते हैं, टाइलिन, और टाइलिन का काम क्या है, तो यह माइंड को माइकोज में बदलता है। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, चलो तो आगे बढ़ते हैं, भोलेनाथ की कृपा से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जय भोलेनाथ। तो चलो ठीक है, लार से टाइलिन निकलेगा, टाइलिन होता है माल्टो, ये टाइलिन जो है एंजाइम है, या माल्ट को माल्टोज में बदलेगा। आगे बढ़े, अब देखो भोजन में यहाँ पर आपका पाचन क्रिया शुरू होता है, सबसे पहला जो है मार्ड यही तो माल्टोज में संश्लेषित हो जाता है। देखो क्या है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में समझना है, पाचन तंत्र अर्थात हमारे अंदर भोजन का किसी भी तरीके से पाचन हो जाए और वो जो अगर सही से हो रहा है तो आप कहते हो कि मेरा पाचन तंत्र जो है, पाचन क्रिया बड़ी बढ़िया है, जो खिला दूं मैं पचा जाऊंगा, जो खिला दो पचा जाऊंगा। पहले जो आदिमानव हुआ करते थे उनका जो था पाचन क्रिया बड़ी बेस्ट, कुछ भी खा लें सब चीज पचने वाला। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा ये वो खा लेते हैं तो मैं खुद पाचन तंत्र से प्रभावित हूँ अपने। चलो यहाँ देखो तो मार्ड को माइटोज में बदलता है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ के बाद जो भोजन है, यहाँ देखो लिप्स, लिप्स का काम क्या है, मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था लिप्स का काम क्या है, सिर्फ किस करना नहीं है, सिर्फ बोलना नहीं है, इसके अलावा तीसरा काम है इसका, यह भोजन को निगलने में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है वो देखो, लिप्स क्या करता है, हमारे जो दोनों लिप्स हैं ये आपस में दूसरे को बंद करते हैं, बंद करने के क्रम में क्या होता है कि एक वैक्यूम तैयार होता है अंदर में और जीव उसको अंदर की ओर सॉलो करता है और सीधे भोजन अंदर की ओर चलाता है, इस फूड पाइप से होते हुए आगे बढ़ता है। ये फूड पाइप, ये देखो यहाँ वाला जो फूड पाइप है ये जाता है चेस्ट से, चेस्ट के बीचों बीच निकलता है और जाकर यह सीधे अमाशय अर्थात अस्टोमैक में खुलता है, ये फूड पाइप का यही काम। ठीक है, ऐसे तो दो यहाँ पर आपको श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो पेट यहाँ से भी निकलेगा आपका जो यहाँ पर जाकर निकलते हैं, खैर इसको अभी नहीं देखना है, श्वसन तंत्र में उसको पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र जब पढ़ेंगे। अमाशय में जैसे भोजन जाता है तो अमाशय में याद रखना, अमाशय में जान लो भोजन सबसे पहले कि यहाँ भोजन तीन से चार घंटा तक रहता है, भोजन जो है यहाँ पर तीन से चार घंटा तक अमाशय में भोजन आपका पड़ा रहता है। जैसे ही अमाशय में जाता है भोजन तो अमाशय के दीवारों से, अमाशय जो ग्रंथि हो गई, अमाशय के दीवार है, यहाँ से एक रस निकलता है, अमाशय से एक रस निकलता है अमाशय के दीवारों से, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस को इंग्लिश में कहते हैं जठर रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ ग्रंथि एक्चुअली ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये जठर ग्रंथियों से निकलता है। ऐसे कोई पूछे तो आप बता देना कि जठर ग्रंथि, अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथि होती है, ये जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। आई रस में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, ये जो है रस इसमें दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला जो एंजाइम है ये यहाँ पर मैं मिला इसे हटाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पैनक्रियाज, दो तरह के रस में एंजाइम होते हैं, एंजाइम पाए जाएंगे यहाँ देखो, ग्रंथि से निकलेगा रस, रस में होते हैं एंजाइम का काम है भोजन का पाचन करना, ग्रंथि से निकला रस, रस में होंगे एंजाइम, दो तरह के एंजाइम होते हैं बच्चे, पहला एंजाइम का नाम क्या है, पहला जो एंजाइम है इसका नाम है पेप्सिन और दूसरा जो है उसका नाम है रेनिन। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन जो आपका एंजाइम है यह प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलता है, याद रखना, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल दे। तो क्वेश्चन आएगा प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कौन बदलता है, तो पेप्सिन, याद कैसे करें गुरुजी, पेप्सिन प्रोटीन पेप्टॉन्स, बड़ी आसान है, पेप्सिन प्रोटीन पेप्टॉन्स, और दूसरा जो है वह रेनिन, रेनिन क्या करता है, यह दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन शरीर में कौन करता है, तो रेनिन, रेनिन कहां से निकलता है, जठर रसों से, जठर रस कहां से निकलती है, जठर ग्रंथि से, जठर ग्रंथि है कहां पे, अमाशय की दीवारों में। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे इसको इंग्लिश में जठर ग्रंथि को पाइलोरिक ग्रंथि कहते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि ये रस जो होते हैं ये इसका नेचर क्या है, तो दो चीजें इसके बारे में जानो, इस रस के बारे में दो चीजें जानो, पहला चीज है ये हल्का पीला कलर का होता है, कैसा होता है, हल्का पीला, और दूसरा इसका नेचर कैसा है, तो अम्लीय है, कैसा नेचर है, अम्लीय नेचर है। तो पहला चीज है कि यह हल्का पीला होता है,
दूसरा यह अम्लीय होता है। इससे दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पेप्टोन से बदलता है और रेनिन दूध का पाचन करता है। इसके अलावा ये जो दीवारें हैं यहाँ पर, ये देखो HCl, इसके दीवारों से HCl निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे भोजन में जिस तरीके से आज देखो थोड़ा सा तबियत खराब है तो समझना इसको, थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा आज एक्टिव नहीं है, लेथार्जिक टाइप के दिख रहे होंगे आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लास मिस मैं नहीं होने दूंगा। जितना भी मैंने जब आपको प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस को मैं निभाऊंगा। यहाँ देखो भोजन किया तुमने, भोजन करने के बाद आपका जो भोजन गया तो क्या इसका यह है कि आपका जो भोजन एकदम शुद्ध है। आपके भोजन में हो सकता है बहुत सारे जीवाणु गए हों, हो सकता है बहुत सारा अजीब माने जो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, सारे चीज जो है आपके गए अमाशय में। अब अमाशय के बाद के जो चीजें हैं वो बड़ी सेंसिटिव होता है, तो इसलिए अमाशय भगवान करे कुदरत का बड़ा गजीब का करिश्मा। भगवान जानते थे कि बाद में जाकर क्या करेगा, सब अनर्गल चीज खाना शुरू कर देगा। देखो भगवान ने लोगों को भेजा क्या क्या खाने के लिए, समझना। जैसे मानो को भेजा कि भाई तुम जाकर साग पात खाना, शाकाहारी बनना, लेकिन मानो क्या बन गया, मांसाहारी, सर्वाहारी, एक्चुअली सर्वाहारी बन गया। तो ये चीजें कैसे हुई, कैसे जाने कौन मांसाहारी कौन शाकाहारी, तो देखो दो चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग, जिस व्यक्ति जिस भी चीज के, अगर जिस जीव के दांत जो है एकदम क्रम में है, जैसे हमारे होते हैं एकदम सुसज्जित होते हैं, एकदम एक दूसरे के साथ हो, तो समझो कि वह शाकाहारी है। लेकिन जिसके दांत आपके छेहर टाइप के दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे, गैप दिखाई दे, दो दांतों के बीच में गैप दिखाई दे, तो उसको समझो कि वो मांस खाता है। क्यों, क्योंकि वो मांस खाएगा तो उसके दांत में वो चीज फंसे ना, इसके लिए उसको डाला गया। लेकिन हम क्या करते हैं, अब एक वो सीख रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो सीख देगा, वही सबका तो सर्विस टैक्स सर्विस चार्ज ले लेता है, तो सीख देता है और कहता है कि लीजिए ना सर, आप इसे खो दिए, आप कहे ना शाकाहारी करते रहते, आप मांसाहारी बनो, मांसाहारी बनो, जय गुरुदेव, चलो ठीक है। दूसरा चीज है, शाकाहारी और मांसाहारी में क्या अंतर है, कि शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं वह होठों से पानी पीते हैं। देखो होठ का एक और काम है, लिप्स का एक और काम है पानी पीना शाकाहारी के लिए, लेकिन जो मांसाहारी होगा वह जीभ से पानी पिएगा। कुत्ता, कुत्ता का देखो जीभ से पानी पीता है, गाय, गाय का देखो होठ से पानी पीते हैं, हम लोग होठ से पानी पीते हैं, जीभ से नहीं पी सकते। लेकिन आज हम क्या है, सर्वार या सब चीजें खाते पीते हैं, कोई बात नहीं, तो ठीक है, हमारा यही चल, तो पाचन तंत्र खराब होते जा रहा है। तो क्या है, हम पर्टिकुलरली मुझसे पूछोगे तो हमको जय भोलेनाथ शाकाहारी व्यक्ति, चलो ठीक। 3 से 4 घंटे यहाँ पर क्या है, भोजन रुकता है। अब HCl आया यहाँ पर, तो क्या किया कि जितने भी इसके साथ जीवाणु बैक्टीरिया आए, देखो HCl का काम क्या है, तो सारे जितने भी आपके हानिकारक जीवाणु आए हैं तो जीवाणुओं का नाश कर देता है, जीवाणु को नाश कर देता है आपके शरीर में HCl। क्वेश्चन आया कि मानव शरीर में HCl का निर्माण, HCl कहाँ स्रावित होता है, तो आपको आंसर देना है अमाशय में, HCl अमाशय की दीवारों से निकलता है। बोलो कोई समस्या, आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे ही भोजन यहाँ पर 3-4 घंटा रुकता है तो यहाँ थोड़ा सा पाचन हो गया भोजन का, तो भोजन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के क्रम में यहाँ देखो तुम्हें तो दिखाई दे रहा होगा एक यू टाइप का, ये जो यू टाइप का तुमको दिखाई दे रहा है ये यू है क्या, इसका नाम है पकवासे ड्यूडोनियम। पकवासे में भोजन आने के बाद, अब पकवासे को जब तो पकना, पकवासे वह आशय जहां भोजन पकता है जी, बिल्कुल यहां पर फिर से एक बार भोजन का क्या होता है, पकाया जाता है। गजब गजब गाना तो गजब का है काश कोई लड़का मुझे काहे को करता है, इधर देखो पकवासे चलो इधर देखो पकवासे में क्या होता है, यहां देखो गॉल ब्लैडर, ये यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत में यहां से निकलता है बाइल जूस, वह क्या करता है इस गॉल ब्लैडर के थ्रू आकर पकवासे में मिलता है। और दूसरा इधर होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से भी निकलता है, इधर देखो मैं यहां लिख देता हूं पैनक्रियाज के बारे में, हिंदी में लिख दो पैनक्रियाज, हिंदी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो पैनक्रियाज से क्या है कि पैनक्रियाज जूस निकलता है, रस निकलता है। इस रस में भी क्या होते हैं
एंजाइम होते हैं। देखो जहां से ग्रंथि है वहां से रस निकलेगा और जहां रस निकलेगा उसमें एंजाइम मिलेंगे। तो पैंक्रियाज रस से क्या है जो एंजाइम निकलता है, यह जो है यहां पर तीन एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम है आप इसको समझिएगा। पैंक्रियाज से आपके तीन तरह के एंजाइम निकलते हैं, पैंक्रियाज से आपके तीन एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। काम क्या है गुरुजी इन सब का, ट्रिप्सिन हो या इमाइलेज हो या फिर आपका लाइपेज हो। अब देखना समझना इसको, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन, यहां देखो किधर गया, हाँ पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स बदलता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन प्लस पेप्टॉन्स को चेंज करता है पेप्टाइड्स में, ठीक है। प्रोटीन और पेप्सॉन को एक साथ पेप्टाइड्स बनाता है। तो याद रखना पैंक्रियाज रस से एंजाइम निकलता है, एक है उसका ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन प्लस पेप्टॉन्स को पेप्टाइड्स में तब्दील करता है। दूसरा है आपका इमाइलेज, यह क्या करता है, इमाइलेज देखो वहां पर लार ग्रंथियां में टाइलिन होता है, टाइलिन क्या करता है माल्ट को माल्टोज में बदलता है, और ये क्या करता है माल्टोज, ये माल्ट को बचे हुए जो माल्ट है या फिर माल्टोज है उसे क्या चेंज करेगा, सिंपल सुगर में अर्थात शर्करा में चेंज कर देता है, ठीक है। और बचा जो लाइपेज है यह क्या करता है वसा को, वसा का संश्लेषण सबसे पहली बार यही होता है, जो आप घी खाते हो, डालडा खाते हो, रिफाइन खाते हो, जितना भी वसा तेल है वो सब यहाँ आता है पैंक्रियाज जूस के थ्रू, उसका क्या होता है संश्लेषण होता है, क्योंकि पैंक्रियाज से पैंक्रियाज रस निकलता है, उस रस में एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो है रस एंजाइम छोड़ता है, इसमें एक लाइपेज होता है, लाइपेज वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। ग्लिसरीन का काम क्या है गुरु जी, तो देखो ग्लिसरीन आप सबको पता है, आप घर पे लगाते हो, महिला हो वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग को ग्लिसरीन का यूज करते ही करते हो, चेहरा बड़ी स्वस्थ होता है, ग्लो आ जाता है। तो बाबू तुम क्या करो घी खाओ, घी खाने से क्या होता है हमारे ये जो आपका जो स्किन है उसके नीचे वो बैठ जाता है, तो वसा जो है वसा का काम बहुत सारा है, नेक्स्ट वीडियो में वसा के बारे में जिक्र करेंगे जब न्यूट्रिएंट्स आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल देखो वसा जो है ग्लिसरीन का काम करता है, वसा को ग्लिसरीन में तब्दील करता है, इसका नाम है लाइपेज। आगे बढ़े चलो, तो यहां से ये आकर मिल गया और यहां पर क्या हुआ, भोजन फिर से एक बार पकता है, इस क्रम में भोजन का पकता है और पकने के बाद अच्छा ये जान लो पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा सा और जान लो कि पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाज यहाँ पर सबसे बीजी ग्रंथि के बारे में इसको जाना जाता है, याद रखना क्वेश्चन आएगा सबसे व्यस्त ग्रंथि बीजी, बीजी ग्लैंड इसको कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे बीजी ग्लैंड तो पैंक्रियाज और सबसे बड़ा ग्लैंड तो आपका यकृत। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, इधर मिटाते हैं इसको, इधर ही मिटाते हैं। अब देखो पकवासे का काम हो गया, इसको इधर से हटाते हैं। अब देखो इसके बाद बचा आपका ये भोजन जो है छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में जाने के बाद क्या होता है, देखो छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत में भोजन सबसे पहला चीज जानो सबसे ज्यादा देर रुकता है, करीब 5 से 6 घंटा रुकता है भोजन का पाचन, यहाँ सबसे ज्यादा देर तक होता है, ओरिजिनली में भोजन का पाचन यही होता है, ये 5 से 6 घंटे आपका यहाँ भोजन का क्या होता है पाचन हो जाता है। सबसे ज्यादा समय क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा भोजन कहाँ रुकता है भाई, तो आपको आंसर देना है छोटी आंत में। बोलो कोई समस्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जानो इस जो छोटी आंत है इसकी दीवारों से एक पेज लेना, उसमें सारा पिक्चर बनाना, दूसरे पेज में सारा नोट्स बन जाना चाहिए, ज्यादा समय और ज्यादा देखो क्या हमारा लक्ष्य क्या है, जॉब लेना, तो जॉब में जो क्वेश्चन आता है सिलेक्टेड पढ़ो ना, क्यों तुम ज्ञानी बनने के चक्कर में हो, जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कुछ न जाने, इस तरीके से जाने कहीं पर कुछ बताने लग जाओ तो सामने वाला ये कहने पर हो जाए कि नहीं कुछ तो है भाई बंदे में बात। तो देख यहाँ पर तो छोटी आंत की दीवारों से क्या निकलता है, जो दीवारें हैं इन दीवारों से रस निकलेगा, इन दीवारों से क्या निकलेगा रस निकलेगा, जिसका नाम है आंतरिक रस। आपको बता दूं प्रतिदिन मानव शरीर से
दो लीटर आंतरिक रस का श्रावण होता है। मतलब है प्रतिदिन दो लीटर जो है हमारे शरीर से आंतरिक रस निकलते जाते हैं। ठीक है, ये आंतरिक रस जो है नेचर जाम जिससे वहां अम्लीय था, यहां क्षारीय। ये आंतरिक रस कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन आया है। आंतरिक रस है सर, तो रस में तो एंजाइम होंगे। जी बिल्कुल, यहां पर भी एंजाइम निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम है। देखो जैसे बहुत सारे एंजाइम है, इलाप्सिन आपके यहां पर एंजाइम मिलेगा, इलाप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, मिटाने से देखो इलाप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, हाँ अच्छा सुक्रेस, इसके बाद मिलेगा आपको लैक्टोज, लैक्टेज ऐसे हैं, और लाइपेज। देखो ये लाइपेज फिर से आ गया। तो क्वेश्चन आता है मानव शरीर में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो दो जगहों से स्रावित होता है, तो आपको आंसर देना है लाइपेज। लाइपेज और कहाँ निकलता था सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, यहाँ पैंक्रियाज जब पढ़ रहे थे वहां पर था, मैंने निकाल दिया। चलिए देखो, तो इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। लैक्टेज के बारे में सब कोई जानता है, जैसे दूध के मापने की इकाई क्या, तो लैक्टोमीटर। तो दूध लैक्टो का बड़ा एक संबंध है। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए एक आता है दूध, इसका नाम है लैक्टोज है। तो लैक्टेज क्या करता है, दूध जो बचा हुआ है उसको लैक्टोज में बदलता है। सुक्रेज क्या करता है, जो आप सुक्रोज लेते हो उसको शर्करा में बदलता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टेज बोलो क्या करता है, तो माल्टोज का संश्लेषण करेगा। इरेप्सिन बड़ी फेमस है। तो ये देखो शेष प्रोटीन आप पेप्टॉन्स या फिर पेप्टाइड्स, देखो वहां से प्रोटीन का संश्लेषण कहां हुआ था, यहां पेप्सिन में, प्रोटीन पेप्टॉन्स में बना था, यहां पर पेप्टाइड्स बना था। तो यहां देखो प्रोटीन प्लस पेप्टीन प्लस पेप्टाइड्स, ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, को अमीनो अम्ल में बदलता है। अमीनो अम्ल कहा जाता है मानव शरीर का निर्माता या फिर प्रोटीन का निर्माता, इसको कहते हैं, याद रखना इसको। प्रोटीन इसी से बनता है, प्रोटीन का निर्माण इसी से होता है, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, बॉडी बिल्डिंग इसे कहते हैं, तो इसको भी याद रखना। तो प्रोटीन पेप्टॉन्स और पेप्टाइड जो है अमीनो अम्ल में बदलेगा, और ये कौन करेगा, इरेप्सिन। और लाइपेज के बारे में याद रखना, यह क्या करता है, वह बचा हुआ जो वसा होता है उसे ग्लिसरीन में बदल देता है। तो ये है आपकी छोटी आंत, छोटी आंत में क्या क्या क्वेश्चन आएगा फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे ज्यादा देर भोजन रहता है 5 से 6 घंटा, इसकी दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, आंतरिक रस में 2 लीटर प्रतिदिन स्रावित होता है, इसका नेचर जो है क्षारीय है, इसमें एंजाइम होते हैं 5 तरह के, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टोज, लाइपेज। ये तो आसान, ये तो आसान है, आता ही नहीं एग्जाम में, एग्जाम ये आएगा कि अमीनो अम्ल में कौन बदलता है प्रोटीन को, तो इरेप्सिन। प्रोटीन पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल बदलेगा, अमीनो अम्ल को कहा जाता है प्रोटीन निर्माता, प्रोटीन को हमारा देह निर्माता कहा जाता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। तो ये 4 तो खैर उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखें। बोलो कोई समस्या, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा इसको। अब देखो यहाँ पर, देखो ये जो है यहाँ पर जैसे ही छोटी आंत से भोजन जाता है बड़ी आंत में, तो यहाँ पर एक विली पाई जाती है। क्या पाया जाता है, विली। ये देखो विली क्या है, इसको समझाइएगा सर। देखो ये समझो, मैंने ये जो ये राउंड सर्कल है ना आपका, एक पाइप की तरह है, तो इसको समझो, यहाँ पर मैंने क्या किया कि आपका ऐसा बना दिया, समझना, समझो कि ये कुछ ऐसा टाइप का है, ये ऐसा टाइप का, ये देखो इधर लंबाई है, इधर लंबाई, इधर लंबाई है, और ये सामने गोल आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या है कि इस गोल, समझ रहे हो ना, इसको मैंने ऐसे दिखाना चाहा, 3D पिक्चर है, यहाँ तो बनाना संभव चीज है, फिर भी मैंने कोशिश किया। यहाँ देखो इसमें क्या होते हैं, इस तरह से आपके फिंगर टाइप यहाँ होते हैं, ठीक है, इसमें लास्ट में होता है, सिर्फ लास्ट में। भोजन जैसे ही यहां से गुजरती है, जो सब चीज का अवशोषण हो गया, तो क्या सब चीज पच गया, तो यहां से जैसे ही गुजरता है तो ये क्या करता है, भोजन को यहां पर जितना भी भोजन में रस होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, इसको यह पकड़ता है, इसमें छेद होता है, और यहाँ के जो मसल होते हैं ये मस्कुलर है,
ये इसी को बिली कहते हैं और ये आपके हैं मसल्स मस्कुलर, इसमें वेसल्स पाए जाते हैं। ये वेसल्स क्या करता है, यहां से न्यूट्रिएंट्स को सीधे ब्लड को दे देता है और ब्लड पूरे शरीर में उसको प्रोवाइड करता है, जिससे हम हमेशा खाना खाने के बाद एक्टिव महसूस करते हैं। कब? आफ्टर ईटिंग या आफ्टर आपका जो पाचन हो जाता है उसके बाद। तो सर जब पाचन हो जाता है तब उसके बाद हम अपने आप को एक्टिव ज्यादा महसूस करते हैं, न कि खाना खाने के बाद। तो लेथार्जिक, लेथार्गिक, पसार्गिक, याद है ना वीडियो? हाँ, लेथार्गिक, पसार्गिक, लेथार्जिक। तो ये बिली है, ये भी इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। चलो इसके बाद जो है भोजन आपका पड़ता है ये बड़ी आंत में। बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं, साइनस, साइडस और फिर आपका यहाँ एनस। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन ये भी जान लो यहाँ पर क्या होता है। बस पानी के साथ जो बचा हुआ भोजन है जिसका पाचन नहीं हो पाया है, वो सारे अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ एनस में लाकर छोड़ दिया जाता है। एनस की लंबाई 15 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करते हो, इजेक्ट करते हो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालते हैं। मल परित्याग बोलते हैं इसे, मल परित्याग बोलते हैं। तो इस तरीके से करके आपके शरीर में भोजन का पाचन होता है। ये सारी चीजों को याद रखना, एक बार पढ़ना, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी आपने यकृत नहीं बताया, आपने बहुत सारी चीजें, देखो बच्चे क्या है, यकृत को हम अलग से पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। यकृत के बारे में सिर्फ अभी इतना जानो कि सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। इसके बाद गॉल ब्लैडर, ये सब जो है ग्रंथियां, इसको स्पेशली पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो ज्यादा तो बड़ा बनाना नहीं है, छोटा छोटा वीडियो देखते चलेंगे और आपकी तैयारी भी चलाते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके इसको हम यहाँ रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज जो होंगे वो उसमें हम लोग मिलते हैं। और थैंक यू, जय भोलेनाथ।